क्या कोई भी इंसान किसी खास तरह का दिमाग लेके पैदा होता है? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि दिमाग तो सबके पास एक ही जैसा होता है, बस उसे इस्तेमाल करने का उनका तरीका अलग होता है। कुछ लोग इसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग बुरा इस्तेमाल भी करते हैं। और मेरा या आपका दिमाग को इस्तेमाल करना इस पर निर्भर करता है कि आपने अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसी आदतें बनाई हुई है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई सी भी प्रॉब्लम या कोई कंडीशन आती है तो दिमाग उसका सॉल्यूशन रोज की आदतों के आधार पर ही निकालेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं और इन्होंने बहुत सारी खोजें भी की हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी है। अब सवाल ये उठता है कि उनमें ऐसा क्या खास था कि वो एक इतने बड़े वैज्ञानिक थे, या ऐसी वो क्या खास आदतें थी जो उनके दिमाग को और शार्प बनाने में मदद करती थी, और क्या हम उन आदतों को अपना के उनके जैसा बन सकते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल सस्ता ज्ञान में। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि हर वैज्ञानिक का दिमाग अलग अलग ढंग से काम करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि उन सभी लोगों में एक चीज तो कॉमन होती है और वो है उनकी अजीब सी आदतें। आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की ऐसी अजीब सी आदतों के बारे में जानने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मोजे यानी कि जुराबों से सख्त नफरत थी, और इसके पीछे के कुछ कारण भी थे, और उन्होंने इन कारणों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी में मोजों को नहीं पहना। जब वो एक बार अपनी पत्नी एल्सा को एक पत्र लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पैरों को छुपाने के लिए हमेशा लंबे जूते पहनने पड़ते हैं। अब आपके मन में तो यही सवाल उठ रहा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को इससे क्या फायदा होता होगा। कुछ खास तो नहीं, लेकिन कम से कम उनकी इस आदत के कारण उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया था, जिसके कारण वो सर्दी के मौसम में बीमार नहीं होते थे। खैर, ये तो बात हो गई मजाक की, लेकिन असलियत में अल्बर्ट आइंस्टाइन मोजो को इसलिए नहीं पहना करते थे क्योंकि एक बार उनके बचपन में जब उन्होंने पहली बार मोजो को पहना तो उन्होंने इसे एक या शायद दो दिनों तक पहना था। जैसा कि आप सबके साथ भी अक्सर होता होगा कि आपने गौर किया होगा कि आपके मोजे के अगले हिस्से में होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इस चीज से अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ही चिढ़ हो रही थी। ये उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके दिमाग में छेद कर दिया गया हो। और उनका कहना था कि जब वो कहीं पर फोकस करते थे तो उनके मोजों में ये जो छेद, ये उनको डिस्ट्रैक्ट करते थे, उनके ध्यान को भंग करते थे। और जबकि ये बात उनके बचपन की थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पूरे जीवन भर अपने इस फैसले पर अड़े रहे कि वो मोजे जिंदगी में कभी नहीं पहनेंगे। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को कार्ड्स की बिल्डिंग्स बनाने की आदत लग गई थी। एक बार तो उन्होंने कार्ड से 14 मंजिला इमारत बना दी थी। अगर कभी आपने कार्ड्स का घर बनाने की कोशिश की है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसमें कितना पेशेंस और कितने कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। हाँ, मैंने भी इसको बचपन में ट्राई किया है, लेकिन मैं कभी भी 5 मंजिल से ज्यादा नहीं बना पाया था। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कार्ड्स का घर बनाने से अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह जीनियस हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इससे ये जरूर पता लगता है कि आप में भी कोई ऐसी आदत होनी चाहिए जिससे आपके पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन की स्किल्स डेवलप हो सके। जब भी हमारा दिमाग हमको किसी मैकेनिकल काम को करवाने में बिजी रखता है, उस समय ये हमें ऐसी एबिलिटी देता है कि हमें ये फालतू विचारों से दूर रख सके, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग में कोई भी बात चल रही है तो उसको आपको हमेशा इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है, यानी कि हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा महत्व दिया जाना जरूरी नहीं है। आपका दिमाग को व्यस्त रखना कभी भी वेस्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि कार्ड्स का घर बनाना, इसमें आपका दिमाग व्यस्त तो है, लेकिन आपके पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन की स्किल्स डेवलप हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के समय में अगर एवरेज देखा जाए तो एक इंसान 3 घंटे से ज्यादा सोता होगा दिन भर में? नहीं ना, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन दिन भर में 10 घंटे सोते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आलसी थे या फिर वो कुंभकर्ण की तरह सुवक्कड़ थे। लेकिन हाँ, काफी देर तक सोना भी उनका एक पैशन था जो कि उन्हें एक पैशनेट स्लीपर बनाता था। ये बात हम सभी को पता है कि हमारे दिमाग के स्वस्थ रहने के लिए रात में अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर 7 से 9 घंटे भी सोया जाए तो ये भी काफी होगा। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि हम सभी लोग अलग हैं और हम सभी की अलग अलग आदतें हैं। हम में से कुछ लोग 6 घंटे सोते होंगे और वो सही से काम कर पाते होंगे,
और उनका दिमाग इतनी ही नींद में स्वस्थ रहता होगा। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ऐसा भी होगा जो कि 10 घंटे की नींद को मांगता होगा, जैसा कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग था। अब सवाल ये उठता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को इतनी लंबी नींद की जरूरत क्यों पड़ती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के बारे में सोचने में ही निकाल दी। उनके दिमाग में हमेशा एक से एक सवाल आते रहे और उन्होंने हमेशा इनके बड़े बड़े जवाबों को खोजने में समय लगाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने बाकी जीनियस के ट्रेडिशन को तोड़ दिया था, क्योंकि बाकी विद्वानों में से ज्यादातर विद्वान तो दिन भर में सिर्फ 4 या 2 ही घंटा सोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जब भी वो सोते थे तो अपने हाथ में एक चम्मच को लेके सोया करते थे। 10 घंटे की लंबी नींद के बाद भी आइंस्टीन अपने आप को दिन भर में झपकियां लेने से रोक नहीं पाते थे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक इलाज निकाला, जो कि ये था कि वो अपने एक हाथ में चम्मच को पकड़े रहा करते थे और उसी चम्मच के ठीक नीचे जमीन पर एक प्लेट को भी रख देते थे जो कि धातु की होती थी। अब होता ये था कि जब भी अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सपनों की दुनिया में खोने लगते थे, यानी कि जब भी उनको झपकी आती थी तो उनके हाथ से चम्मच छूट जाता था और जाके प्लेट पे गिरता था, जिससे खट की आवाज होती थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की नींद खुल जाती थी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में कार्ड्स का घर बनाया करते थे तो उनकी माताजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उनकी माताजी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को कुछ और करने को देंगी जो कि उनकी लाइफ में कुछ यूजफुल होगा, क्योंकि कार्ड्स का घर बनाने से आपकी रोजाना की जिंदगी में होने वाले खर्चों को तो आप नहीं उठा सकते। तो उनकी माताजी ने वायलिन को चूज किया। शुरुआती समय में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र कम थी तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब वो 13 साल के हुए तो उन्होंने ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट को एक कॉन्सर्ट में म्यूजिक बजाते हुए सुना और वो उसी समय उनके दीवाने हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वायलिन को बजाना कभी भी नहीं छोड़ा। हम सभी लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन से कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं, जैसे कि जब तक किसी चीज के बारे में सही से जान ना लिया जाए तब तक उसको अपनी पसंद या नापसंद नहीं बनाना चाहिए। हम अपनी एक्टिविटीज को, अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? आपके दिमाग के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप एक एक्टिविटी या एक काम को करते हुए थक गए तो आप अपने काम को बदल लें, या फिर आप मैथ के सवाल करते करते थक गए, आपका दिमाग थक गया है तो आप गिटार बजाने लगिए या गाने सुनने लगिए। अगर आप गिटार बजाने से भी थक गए हैं या गाने सुनने से भी थक गए तो आप टहलने निकल जाइए। इस तरह से आपके थके हुए दिमाग को आराम जरूर मिलेगा और अल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जो हमारे दिमाग के लिए एक नॉर्मल रेस्ट है वो एक अच्छी नींद ही है, और इसको दुनिया का कोई भी एंजॉयमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो आपको किसी भी काम में मजा नहीं आएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं थी जो कि उनको जीनियस बनाती है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन उनकी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण और सटीक हुआ करती थी। उनका ऐसा मानना था कि अपने विचारों के साथ कुछ समय अकेले भी गुजारना चाहिए, जिससे वो अपने देखने के नजरिए में बदलाव ला सके और इस पर और गहराई से विचार कर सके, जिससे विज्ञान को हमेशा के लिए बदलने वाले सिद्धांतों को उन्होंने विकसित किया। आदतों को अपनाने का मतलब ही यही है कि अपने आप में और सुधार करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस YouTube चैनल सस्ता ज्ञान पर मिली है जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।